रोटियां अगर नरम नहीं बनती तो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स जिससे रोटी बनेगी एकदम नरम मुलायम। रोटी, नान या पराठे के लिए आटा थोड़ा मुलायम ही गूंदा जाता है। मुलायम आटे की रोटी ठंडी होने पर भी मुलायम ही रहती है, कड़क नहीं होती। जबकि अगर आटा सख्त गूंदा हुआ हो तो रोटी ठंडे होने पर खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इसके लिए आटा बहुत अच्छा गूंदा होना चाहिए। जितना आटा हम लेते हैं उसका आधा पानी लेना है गूंदने के लिए। तो सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमने आटा गूंदा है 2 से 3 बार मथ ले ताकि वो फिर से सॉफ्ट हो जाए। अब हाथ में हल्का सा सूखा आटा लगाकर लोई को दोनों हाथों के बीच में दबाते हुए घुमाते हुए गोल करें। लोई के चारों तरफ सूखे आटे की एक परत लग जानी चाहिए। चकले पर लोई को रखकर हल्का सा दबाएं। बेलन से एक बार थोड़ा बेलें। बेलन को रोटी पर इस तरह चलाएं कि चपाती बड़ी और गोल बनती जाए। सभी जगह से रोटी की जो मोटाई है एक जैसी होनी चाहिए।